की के हार के ठीकरे अपने मां बाप में फोड़ना बंद करो शर्म किस बात की क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा Let us celebrate and welcome, तो मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है और प्रफुल्ल का मतलब होता है हैप्पीनेस खुश और मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपके पास होती है बाकी सब आपको लोग कंट्रोल करते हैं खुशी तो आपके पास ही है ना मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का हूँ मध्य प्रदेश का एक जिला है धार जो इंदौर से बाजू में है वहां पर पला बड़ा किसान का बेटा हूँ बचपन से ही कुछ करने का मन था बचपन से ही मेरी दोस्ती मेरी उम्र वालों के साथ नहीं थी बारह तेरह साल की उम्र का जब मैं था तब मैं मूवीज नहीं देखता था कार्टून नहीं देखता था मैं अपने पिताजी के पास कोई उनका मित्र मिलने आता था तो उनके साथ बैठता था तो पहली सीखिया क्या करी बारह साल की उम्र में कि अपनी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती जीरो क्योंकि वही आपने मेरे इंटरव्यूज में सुना भी होगा वही बातें होगी उस लड़की का नंबर वो फोन वो शेयर वो फेसबुक लाइक वो इंस्टाग्राम लाइक तो बहुत जल्दी समझ आ गया था कि अपने से दो पाँच छह साल दस साल पंद्रह साल उम्र के बड़े लोगों से दोस्ती करोगे या दोस्ती ना भी करो उनके आसपास बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो ही लोगे कहीं से भी सीख सकता है आदमी जूते कैसे पहनते वो भी सीख सकता है हेयर कटिंग कैसी है वो भी सीख सकता है एक छोटी सी लर्निंग से चालू करूंगा कि आपकी नजर के सामने जो चीज दिखे उसको ऑब्जर्व करना सीखो क्या करना सीखो वो नहीं आता है स्पंज पानी को सोख लेता है तेल को सोख लेता है ऐसा आपका दिमाग हो जाना चाहिए आपकी आंखें ऐसी हो जानी चाहिए वो हर चीज को नोटिस करे मैं यहीं से आपको कुछ नोटिस करने की मैं आप ज्ञान देने कम आया हूं मैं आपको सिखाने आया हूं एक ऑन्ट्रप्रिनर वही होता है जो ट्वेंटी फोर सेवन डेज सीखता रहे ऑन्ट्रप्रिनर की डेफिनेशन क्या है ऑन्ट्रप्रिन की डेफिनेशन नहीं कि दस करोड़ का टर्न ओवर की डेफिनेशन ये नहीं की कि सेल्फी कितने लोग ले रहे हैं ऑन्ट्रप्रिनरशिप की डेफिनेशन यही नहीं कि वाहवाही कर रहे लोग ऑंट्रप्रिनरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो फिर आस पड़ोस का करो फिर समाज का करो फिर प्रदेश का करो और फिर देश का करो करेक्ट ऑंट्रप्रिन ये है अगर जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे तो ये समझ लो कि जो जिस आदमी को आप सक्सेसफुल समझते हो ना उसकी आदतों को कॉपी पेस्ट भी कर लोगे ना कहीं तो कहीं पहुंची जाओगे अगर जिंदगी में आप कंफ्यूज हो आपको लग रहा है कि क्या करूं तो किसी को तो अपना आदर्श मांगते होंगे ना किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे विवेक सर को मानते होंगे कि मैं सक्सेसफुल मानते हूँ अपने आस पड़ोसी वाले किसी माहेश्वरी अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना किसी जैन अंकल को सक्सेसफुल मांगते होंगे ना किसी शर्मा अंकल को सक्सेसफुल मानते हो ना वो जैसा खाता है वैसा खाओ आज से वो जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनो वो जैसा चले ऐसा चलो वो जैसा हाथ मिलाए ऐसा हाथ मिलाओ वो जिन लोगों से मिले वहां तुम बैठो अपने आप नब्बे प्रतिशत सक्सेस तुम्हारी आ गई भैया जिंदगी में कॉपी पेस्ट करना भी चालू करोगे कोई बुरी बात नहीं है तो यही करता है में में नौकरी चार साढ़े चार पांच महीने के बाद रियलाइज हुआ कब तक कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है करेक्ट yeah. तो ठीक है भैया सीख लिए लोग एक ही जगह अटके रहते हैं मैंने कहा आप खुद की दुकान चालू करेंगे क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ड्रीम बिग ड्रीम स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ बहुत बड़ा सोचो सोचो हाथी खाना है आप कैसे खाएंगे एक हजार टुकड़ों में पहले काटेंगे उसको फाड़ 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 एक एक टुकड़ा रोज खाएंगे जल्दी किसको है जल्दी है क्या हाथी भी खाना है और जल्दी भी खाना ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक ना ठेला चालू कर दिया खुद ने चाय का ठेला चलाया खुद ने चाय बेची खुद ने बर्तन बांधे सब कुछ खुद किया संघर्ष किया और दो साल चाय बनाई क्योंकि वहां से बहुत सारा सीखने को मिलता है आठ हजार रूपये से चालू किया था क्यों चालू किया था कि अगर एक दो बार पहली बार में दस पंद्रह लाख रुपए लगा दोगे ना कल को नुकसान हुआ ना तो जिंदगी भर कल व्यापारी नहीं बन पाओगे सारे दुख झेल जाओगे पर वो पैसे का जो दुख है ना वो आदमी को कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ता है तो आठ से चालू किया तो एक ही एक ही एक तो पॉसिबिलिटी थी कि सब कुछ लुट जाएगा पर पैसे तो नहीं लुटेंगे और अगली बार पापा से मांगेंगे एक और आठ हजार रुपए की किस्त मांग लेंगे क्या जा रहा है और अगली बार दस लाख मांगते तो पापा नहीं मारते घर से भगा देते होता है ना बहुत सी बात तो अगर आप बीस इक्कीस बाईस के हो तो सेट बनने की कोशिश मजदूर बनने की कोशिश करो कितने ही सूरत के व्यापारी है जिनके पांच पांच सात सात हजार करोड़ के बिजनेस है उनके उन्होंने उन्हों, उनके बच्चों को यूएस भेजा कि तू मैक्स में जॉब कर स्टारबक्स में नौकरी कर बैंक बीपीओ में जॉब करवाते उनको क्योंकि उनको जिंदगी के फलसफे पता चले अगर आपको एक रुपए की वैल्यू नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है आपको सौ रुपए की वैल्यू होगी अगर आपको सौ रुपए की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको एक हजार की वैल्यू होगी अगर आपको एक हजार रुपये की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको एक लाख रुपए की वैल्यू होगी एक लाख रुपए की अगर वैल्यू नहीं तो आपको किस बात की गारंटी की आपको एक करोड़ की वैल्यू होगी तो ऑन दैट फर्स्ट रुपी फर्स्ट मैंने पहले दिन पांच लोगों को चाय बेची डेढ़ सौ रुपये का धंधा हुआ लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे मैं लोगों के पास गया पहले दिन चाय की दुकान जब ओपन करी तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे तो मैं हाईवे एस डी आई कितने लोग अगर अहमदाबाद में पता हो तो एस डी हाईवे करके एक जगह है तो वह पे कारें खड़ी होती है तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे तो मैं लोगों के पास चले गया और उनकी कार पे नॉक करता हेलो माय नेम इज प्रफुल बुल्लोरी वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी आई मेक ऑसम चाय तो बोले ये वही कौन है अंग्रेजी बोलने चाय वाला भाई लाओ तुम्हारी चाय तो ये अलग क्या सी कि अगर लोग आपके पास नहीं आ रही तो आप लोगों के पास चले जाओ सर अपना फील्ड के बिजनेस में टॉप में पहुंचने के लिए एज ए बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या हुनर होना चाहिए अगर आप आपका व्यापार है ना तो कोई एक चीज चुन लो अगर आपने चाय चुनी है तो फिर चाय के अलावा आपको कोई नहीं दिखनी चाहिए अगर बाजू में से कटरीना कैफ भी जा रही ना तो आपका नजर कटरीना कैफ पे नहीं जाना चाहिए इतने तकर का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए अगर आपको अपने व्यापार में बहुत बड़ा बनना है एंड इट्स ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव डेज और आप उसी इंडस्ट्री के लोगों को चुनो जो आपके व्यापार को या तो बढ़ा सके या व्यापार में नेटवर्क बना सके आपके इम्प्लॉय बन सके आपके को बन सके आपकी सेल्स की टीम बन सके आपको सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपको शादी ब्याह में नाचने नहीं जाना पड़ेगा फिर आपको किसी की रैली में नहीं जाना पड़ेगा आपको बड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा और आपको आपके व्यापार में बहुत बड़ा बनना पड़ेगा और उसी इंडस्ट्री के लोगों से मिलना पड़ेगा और अपने सवाल पूछना पड़ेगा कि अब मैं फ्रेंचाइजी कैसे बढ़ाऊं अब मैं व्यापार कैसे बढ़ाऊं अब मेरे को ये दिक्कत आ रही है तो पूछूंगा आप समझ रहे बहुत मजा आने वाला है आपको यही ट्वेंटी फोर यही जिंदगी है आपकी और आपको चार पाँच छह साल हजार दिन का रूल बोलते हैं मारवाड़ी में बोलते हैं ना मारवाड़ी लोग एक हजार दिन आपके व्यापार में आपको पूरे देने पड़ेंगे डेज तो आप उसके पिताजी बन जाओगे आप जिस चीज को सबसे ज्यादा समय दोगे आप जिस चीज को सबसे ज्यादा समय दोगे उसमें आप उसके महारथी बन जाओगे आपने एक चीज बोली थी कि आ, अगर पैसा बड़ा लगा के हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस डूब जाता है तो दोबारा हम पैसा नहीं ले सकते अपने पेरेंट्स से सर मेरे साथ हुआ सर मैंने मतलब पिज्जा का शॉप खोला था बहुत बड़ा वो बंद हो गया अब फैमिली दोबारा स्टार्टअप के लिए अगर मैं फंडिंग लेता हूँ तो मानते नहीं है तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि यू नीट टू बी वेरी बैलेंस इन योर डिसीजन या तो अभी दस लाख का रुपया ले लो फिर दस लाख तक सूखा करो या आज एक रुपया लो कल सौ रुपया लो फिर हजार रुपया लो करेक्ट और कभी कभी आप ना अपनी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप में फोड़ना बंद करो आपकी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना आज से बंद करो क्योंकि इट इज वेरी इजी टू ब्लेम ऑन पेरेंट्स जब आप पहली बार शराब पीने गए थे तो माँ बाप से पूछा था जब पहली बार किसी को छेड़खानी करने गए थे तो नहीं पूछा ना तो व्यापार में भी अपने परिवार का इन्वॉल्वमेंट कम रखो क्योंकि उनके ख्याल तीस पैंतीस साल पुराने हैं और आज की जिंदगी बहुत बदल गई है भारत इंटरनेट के आने से भारत नहीं बचा है भारत भारत इंडिया हो चुका है तो उन चीज को समझो आप और अगर नहीं पैसा है तो कम से चालू करो ये धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा नहीं चाहिए धंधे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए धंधा चालू तो करो फिर ग्रो करोगे व्यापार चालू करने के लिए कभी किसी को पैसा चाहिए ही नहीं व्यापार को दस गुना बीस गुना पचास गुना बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है तो ये बहानेबाजी बंद करो आपने अपने चाय को बेचने से पहले अपने शर्म को बेचा एक इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता आ, अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो शायद बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा मैं आपको बड़े शांत से सुनना बड़ी सही चीज बताऊंगा मैं आपको हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बिता देते हैं जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले मेरे कितने ही मासा जी फूआ जी मामा जी है उनको शादी में अगर उनका इन्विटेशन में नाम ना लिखो तो वो ऐसे फूफा फूफ हर हैं मानो उन्होंने कोई संपत्ति दे रखी हो मुझे वो सम्मान है किस काम का जो मांगना पड़े <laughs> और दूसरी चीज किस चीज की शर्म है भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हें पता है तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए तुम्हारा सपना है घूमने का तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का तो इसमें शर्म किस बात की क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा भाई खुजली तुमको है ना कोई बोल रहा है भाई दो आज आज देखो मैं आपको रास्ते बताता हूं जिंदगी के ये जिंदगी है, मैं, मैं है आपकी आपको कुछ भी नहीं आता है आपको फाइव स्टार होटल में चेक इन करते नहीं आता है आपको बोर्डिंग पास निकालते नहीं आता है आपको बोलते नहीं आता है आपको सोशल मीडिया चलाते नहीं आता है। आपको कुछ भी नहीं आता है करेक्ट आपको कुछ नहीं आता है मान रहे हो आपको कुछ नहीं आता है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो राइट पेड़ आगे लेके स्वीकार करो कि मुझे नहीं आता है आज से मैं हर दिन सीखूंगा या तो यू टर्न ले लो और चद्दर डाल के बिस्तर पे सो जाओ तुम्हें कोई उठाने जाने वाला नहीं है <laughs> दो ऑप्शन है आपके पास और एक चीज मैं बताता हूं वेन यू नो वेन यू नो यू डोंट नो यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग समझ आई जब आपको पता है कि आपको नहीं पता है तो आप सीखोगे नहीं तो हमारे देश में अलग चलता है आपको सिखाएगा तेरे से ज्यादा पता है आपको सिखाएगा उसको नहीं पता है ये एरोगेंस में छोड़ो हमें विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है हमें विश्व विद्यार्थी बनने की जरूरत है हमने बहुत सिखाया सौ साल पहले हमारे दादाओं ने हमारे गुरुओं ने पूरी दुनिया को सिखाया क्योंकि उन्होंने सीखा उन्होंने पढ़ा तो सिखाया आज इस देश को अपने सौ साल पुराने कर्मों की वजह से अगर पीठ थपथपानी पड़ रही है तो ये दुर्भाग्य है इस देश का ये दुर्भाग्य है हमारा मेरे दादा एमपी थे मेरे दादाजी ने वो किया अरे तूने क्या किया मेरे फूफा जी महाराष्ट्र के मिनिस्टर है मेरे जी ने ये बिल्डिंग अपने सम्मान मान को ढूंढोगे किसी ने आईफोन बनाया स्मृति मैम आपने खरीदा आप खुश हो गए ये स्टीव जॉब्स भैया ने बना दिया आपने यूज किया आपने खरीदा आप खुश हो गए अब स्टोरी डालते हो ना स्नैपचैट पे फोर्टीन मैक्स प्रो किसी ने जूता बनाया तुमने दस हजार का जूता खरीदा तुम खुश हो गए किसी ने यह माइक बनाया हम यहां चिल्ला चोट कर रहे हैं तुम खुश हो रहे हो रहे किसी ने स्क्रीन बनाई तुम देख रहे हो तुम खुश हो रहे हो तुमने क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही है तुमने कुछ बनाया क्या चाय बनाओ यार समोसा बनाओ कुछ तो बनाओ कि लोग खुश हो कब तक उपभोग बन के कब तक कस्टमर बन के अपने आप को मगौरान्वित महसूस कराओगे कभी क्रिएटर तो बनो